हैरान हो रहे होंगे कि आखिर सलमान का पठान में क्या रोल है, ऋतिक रोशन का गेस्ट अपीयरेंस पठान में क्यों है। और तो और अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पठान में सिर्फ शाहरुख दीपिका जॉन नहीं बल्कि सलमान ऋतिक के साथ कैटरीना का भी छोटा सा रोल होगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि पठान का क्लाइमेक्स टाइगर 3 की शुरुआत होगा। कोरोना की वजह से पठान का आउटडोर शेड्यूल तकरीबन स्क्रैप कर दिया गया है। मुंबई के यशराज स्टूडियो में बड़ा सेट बना है और इसी सेट पर पठान का क्लाइमेक्स शूट किया जा रहा है, जिसमें शाहरुख और सलमान हाई ऑक्टेन क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं। इसी सेट पर टाइगर 3 की मुहूर्त पूजा भी हुई थी। लेकिन आप ये समझ कर मत रह जाइएगा कि पठान में सलमान का कैमियो और टाइगर में शाहरुख का कैमियो होने वाला है। दरअसल ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई है। टाइगर पठान की कहानी का हिस्सा है और उसी से होते हुए पठान शाहरुख की एंट्री टाइगर 3 में हो जाएगी, यानी दोनों कहानी कनेक्टेड है। सेम सेट दोनों ही फिल्मों में इस्तेमाल होगा। अब कहानी जुड़ी है तो किरदार भी जुड़ा होगा। सलमान वैसे भी पठान के साथ टाइगर वाले फॉर्म में आ ही चुके हैं। 8 मार्च से कैटरीना भी इस सिलसिले में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि टाइगर की कहानी बिना जोया के तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। बताते चलते हैं कि सलमान और कैटरीना दोनों ही पिछले महीने भर से अपने फिटनेस शेड्यूल में जुटे हुए हैं, लेकिन टाइगर 3 के लिए इस बार कैटरीना को स्पेशल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। डायरेक्टर मनीष शर्मा टाइगर 3 के इस एक्शन सीक्वेंस को मुंबई में ही शूट करना चाहते हैं। इसके लिए स्पेशल साउथ कोरियन क्रू, जो मार्शल आर्ट स्टंट्स में एक्सपर्ट है, वो कैटरीना को ट्रेन कर रहा है। ऋतिक का पार्ट भी पठान में शूट हो चुका है और इसका इशारा हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि यशराज फिल्म्स वॉर टाइगर और पठान को साथ लेकर एक स्पाई यूनिवर्स बनाना चाहता है, जैसा कि हॉलीवुड में सुपर हीरोज एवेंजर्स का यूनिवर्स है।